रोहतक में एक ड्राइवर की हत्या करने का एक मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार हत्या से पहले ड्राइवर ने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी और फिर उनमें आपस में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई, जिसके कारण उसके दोस्त ने पिकअप से कुचल कर उसका मर्डर कर दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान चरखी दादरी जिले के गाँव रुद्रोल निवासी करीब 38 वर्षीय नवीन के रूप में हुई है, जो पिकअप डाला पर ड्राइवरी का काम करता था। मृतक शुक्रवार को रोहतक में आया हुआ था। इसी दौरान उसने 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर शराब पार्टी की, वहीं फिर आपस में हुई कहासुनी के कारण दोस्त ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आपको बता दें, मृतक शादीशुदा था और एक बेटी का बाप भी था। घटना का पता लगते ही पुलिस व एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मौजूद प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वह एक्टिवा पर सवार होकर वहां से गुजर रहा था। इसी दौरान बोलेरो पिकअप वाले ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। चालक ने फिर से गाड़ी को वापस मोड़ा और फिर से उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ा दी। इस वारदात के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया। जब यह घटना हुई तब वह गाड़ी से करीब 50 फीट ही दूर था। शिवाजी कॉलोनी पुलिस थाना के SHO दिलबाग सिंह ने बताया कि पुराना शुगर मिल चौक के पास 4-5 दोस्त वहां बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान दो दोस्तों की आपस में कुछ कहा सुनी होगी। झगड़ा होने के बाद नवीन वहां से उठकर चला गया। पीछे से उसके साथी ने पिकअप गाड़ी से उसे टक्कर मार दी। इसके बाद फिर से गाड़ी बैक की और ऊपर चढ़ा दी। उसे मारकर आरोपी वहां से फरार हो गया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मैंने देखा एक बोलेरो वाले ने, ये मैं उधर से आ रहा था एक्टिवा से, मैं इससे करीब 50 फुट की दूरी पे था। हमने देखा कि बोलेरो ने उसको टक्कर मार दी और टक्कर मार के उस बोलेरो ने वापस मोड़ी और एक बार बैक करके फिर वापसी उसने उसके ऊपर ही चढ़ा दी और वो बहुत स्पीड में गाड़ी वाला वापस मोड़ ले गया। और मैं उस भाई के ही पास आ रहा था, उनका मेरे पास फ़ोन आया था, तब तक ये हादसा हो चुका था। नहीं, मैं 50 फुट दूर था वो गाड़ी, तब तक थोड़ा हमारे से बैक करके भी उसने गाड़ी का मुंह दूसरी साइड कर दिया था, वो जा चुका था। जो मरा है वो कौन लगता था? वो मेरा यार दोस्त लगता था। क्या नाम? वो नवीन नाम था उसका, दादरी साइड से था वो भाई। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? इनका आपस में साथ में इकट्ठे पी रहे थे, ये 5 लोग थे साथ में इकट्ठे पी रहे थे। अब इनको ये किस बात पर झगड़ा हुआ है, इनके आपस में गाड़ी गलो तो ये भाई क्या तू घंटे का ड्राइवर, इस विषय को लेकर ये सारा मुद्दा हुआ है। क्या पहले भी कोई झगड़ा ना? ना, पहले इनका कोई झगड़ा नहीं था, कल ही की बात है। ये इन्होंने अपने पैक से लगाते हुए जो भी अपना कया सुनी करी है, ऐसा बताया जा रहा है कि नवीन ने भी उसके सिर में राड मारी है और कुछ डंडे भी, पहले उसने डंडे मारे हैं, डंडे टूट गए, वो फिर उस भाई ने इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई है। हाँ जी, यहीं पर मौत हो चुकी थी उनकी। आपका क्या नाम है? नरेश नाम है भाई जी। ये कल शाम को 6:30 बजे करीब 4-5 दोस्त यहाँ बैठ के शराब पी रहे थे, तो उनमें से दो की कहा सुनी हो गई है, आपस में झगड़ा हो गया। तो वो एक उनमें से झगड़ा होने के बाद में जो मरने वाला है प्रवीण, वो नवीन सॉरी, वो उठ के निकल लिया और पीछे से दूसरा जो साथी था उसने गाड़ी उठा के ने उसको पीछे टक्कर मार दी और फिर बैग मार के ने फिर ऊपर चढ़ा दी और मौके से भाग गया। शराब पी रहे थे बस आपस में, गालियां देने लगे आपस में, झगड़ा हो गया। ये रहने वाले मृतक दादरी का है और एक समसपुर का है और ये यहाँ पे जो पिकअप होती है ना उसके उसका काम करते हैं, उसी पे ड्राइवर है। नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, जो जांच होगी उसमें बता दीजिए। नहीं, वो अभी जांच का विषय है, वो बाद में बताया जाएगा।